आज हम बनाने वाले हैं फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग राजस्थान का बड़ा ही फेमस है। यहाँ पर हम एक माँ और बेटे का ड्राइंग ड्रा करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका फेस बनाते हैं, यहाँ पे लीव्स बना लेंगे और यहाँ से ऐसा चीन कर्व करना है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए इस टाइप से ड्रॉ करना है। आँखें का डेकोरेटिव फॉर्म है, आईब्रो भी उसी टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर लेने का है। फिर यहाँ पर हम कान बना लेंगे, यहाँ पर उसका हेयर स्टाइल जो बाल रहेंगे वो ड्रॉ करना है और जुड़ा। यहाँ पर हम उसका गला बनाएंगे, गले में एक माला है ऐसा नेकलेस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम उसका हैंड ड्रॉ करेंगे, ब्लाउज का डिज़ाइन, यहाँ से ब्लाउज का पार्ट। यहाँ पे एक बेटा है, उसकी आँख बना लेंगे, इस टाइप से ड्रॉ करना है और लाइट लाइट ड्रॉ करना है। पेपर के सेंटर में ड्रॉ करना है पूरा ड्राइंग। जिस पेपर पर हम ड्राइंग बना रहे वाटर कलर पेपर है, हैंडमेड वाला चित्रपट का, बहुत ही सुंदर इसके ऊपर आर्ट वर्क बनता है वाटर कलर से। यहाँ पे हम बालक का हाथ ड्रॉ कर लेते हैं और गले में एक ताबीज है इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से उसका हाथ, यहाँ पे उसकी उंगलियाँ ड्रॉ करेंगे, अंदर का पार्ट रब कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेने का है। ये ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पे माँ का एक हाथ है ऐसा हम दिखाने वाले और यहाँ पर उसके पैर ड्रॉ करते हैं, बालक के पैर रहेंगे। बड़ा सा लहंगा है और लहंगे के ऊपर डिजाइन है। फर्ड आर्ट कपड़े के ऊपर बनाया जाता था और इसके अंदर जो कलर यूज होते थे वो नेचुरल कलर होते थे और उसी के साथ साथ प्राइमरी कलर का यूज होता था, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप के प्राइमरी कलर का यूज होता था। यहाँ पर हम एक खिलौना ड्रॉ करते हैं, ऊंट है इस टाइप से और उसके खिलौना है तो उसी टाइप से ड्रॉ करना है, उसके ऊपर डिजाइन ड्रॉ करना। इसके अलावा यहाँ पर एक थाली है और यहाँ पर एक ग्लास है, यहाँ पे कुछ चपाती सब्जी टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप से डिजाइन बनाना है, आर्क ये ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम हमारे हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हैं और भी क्रिएटिव पार्ट के हिसाब से। ये फर्श वाला पार्ट है और यहाँ पे हम फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। इतना सारा हम सब लाइट लाइट ड्रॉ कर लेंगे और ये ग्रिल वाला पार्ट है, हाथ में चूड़िया, नाखून, लहंगे के ऊपर डिजाइन बाद में भी कर सकते हैं, जो चुनरी है चुनरी के ऊपर भी डिजाइन, और ये लहंगे के ऊपर भी हम डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब अच्छे से ड्रॉ कर लेने का है और बहुत प्रेशर देके नहीं, हल्के हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। वाटर कलर का यूज करने वाले हैं, ब्रश है पॉइंट के, पानी लगेगा, पेन आउटलाइन करने के लिए, इतना सारा है। अब हम कलरिंग स्टार्ट करते, पूरी जो बॉडी है उस बॉडी में हम ऑरेंज शेड को अच्छे से कर लेंगे लाइट लाइट। ऊपर से स्टार्ट करते करते नीचे कलरिंग करना है, तो पहले फेस से स्टार्ट करेंगे ऑरेंज कलर, इसे ड्राई होने देंगे, फिर दूसरा कलर करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा कलरिंग करना है, एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है, शेडिंग नहीं करना है, प्लेन प्लेन कलर फिल करना है। यहाँ पे बालों का रंग जो ब्लैक कलर है, काला रंग उसका यूज करते हैं। ब्लाउज के लिए रेड कलर है और जो ऊपर ब्लाउज का है वही लहंगे में सारे शेड यूज करेंगे, जैसा रेड, यहाँ पे हम ग्रीन करते हैं, लहंगे में भी ग्रीन करेंगे। फिर इसी टाइप से हमें कलर करते चलना है, तो यहाँ पे हम 6-7 नंबर ब्रश का यूज कर सकते हैं। छोटा काम छोटे ब्रश से करना है, बड़ा काम बड़े ब्रश से करना है।
वहाँ पे पूरा ब्लू कलर लहंगे में कर लिया, व्हाइट वाला पार्ट वैसे ही फ्लावर को रखना है। पूरा कलरिंग हो जाने के बाद ये ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम पेन का यूज़ करेंगे, एक 0.5 नंबर 6 नंबर से, और पूरे ड्राइंग को अच्छे से आउटलाइन कर लेने का है पूरा कलरिंग हो जाने के बाद। आपको थर्ड पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।